शुभ रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिश बनाऊंगी वो इडली ढोकला, जो खाने में भी ढोकला से थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ खा लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कप लिया मैंने बेसन, ये मेरा छाना हुआ है, आप छान लीजिएगा बेसन को। आधा कप लेंगे सूजी, 1/3 कप लेंगे दही, ये मैंने फेंट लिया दही को, इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया, अब इसमें बाकी का सामान भी ऐड कर दें। आधे चम्मच जितना हमने अदरक ग्रेट करके डाल दिए हैं, 1 बड़ा चम्मच चीनी, आधे चम्मच हरी मिर्ची कुटी हुई, आप काट के भी डाल सकते हो, 2 चुटकी जितना हम हल्दी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें इनो साल्ट डालेगा। इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसे एक बैटर रेडी कर लेंगे, जो ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो हम बैटर को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बैटर हमने रेडी कर लिया, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का बैटर हो गया। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, फिर आगे की तैयारी करेंगे हम। ये देखिए बैटर हमारा फिर से थिक हो गया, लेकिन फिर भी हम एक बार इनो सॉल्ट वगैरह डाल के देख लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, पतला करने से भी फिर मुश्किल हमारा इडली अच्छा नहीं बनेगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसे भी मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। ऐसे बैटर हमारा ठीक लग रहा है, एक बार इनो सॉल्ट डाल के देख लेंगे, अगर ठीक हुआ तो थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। ये हम इनो सॉल्ट डाल देंगे, ये मेरा लेमन फ्लेवर का था, आप सिंपल वाला भी ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे एक्टिवेट करने के लिए। अब इसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे, बैटर को हमने अच्छा से मिक्स कर लिया। इसको इनो डालने के बाद हम बहुत ज़्यादातर तक इसको नहीं रखेंगे, फटाफट अब इडली के सांचे में हम डाल देंगे। ये देखिए हमारा बैटर ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पतला करेंगे, बढ़िया एकदम परफेक्ट बैटर बन के रेडी हो गया। अब इसको हम फटाफट सांचे में डाल देंगे। सांचे को हमने पहले से तेल से ग्रीस कर लिया, अब इसके अंदर डाल देंगे। एक बर्तन में पानी गर्म रखने के लिए रख दिया था, 2 गिलास पानी डाल के पानी हमारा बॉयल हो चुका, अब सांचे को इसके अंदर डाल देंगे। ढक करके हम 15 मिनट तक पका लेंगे। लो को हम पहले मीडियम फ्लेम में रखेंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को फिर हम स्लो फ्लेम में कर देंगे। देखिए इडली को हम चेक कर लेते हैं पक गया कि नहीं, चक्कू हमारा नीट एंड क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब इडली हमारा पक गया। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। निकालिए, इसको एक एक करके अलग रख देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने तड़का पैन ले लिया, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, अब इसके अंदर डाल देंगे हम राई, इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा हींग और करी पत्ता और प्याज, हरी मिर्ची हमने डाल दिया, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इसके अंदर डाल देंगे हम 1/2 कप पानी, इसी में डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, बॉयल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमारा तड़का पक गया, अब इसमें डाल देंगे हम, गैस को ऑफ करने के बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे 2 चम्मच। ये देखिए कितने बड़े हमारी इडली तैयार हो गया, इडली ढोकला सारे हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से हम जो चाशनी बनाए हैं वो डाल देंगे तड़का। अब इसके ऊपर से हम थोड़ी सी फ्रेश नारियल से गार्निशिंग कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी बन के तैयार है। बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी। और सबसे बड़ी बात, अपने घर के सामानों से हमने इडली तैयार कर लिया। इडली ढोकला बाजार से भी बढ़िया टेस्टी। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा बना ये भी बताइएगा। तो ऐसा तो इजी ढोकला हमारा बनाने बनता ही है। तो चलिए, मेरा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, कैसा बना लाइक शेयर कीजिएगा। डिश अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।